हेलो अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जा रहे हैं होंडा और होंडा से पूरी इसकी ट्यूनिंग करवाएंगे। एवरेज का इशू आ रहा है, 7.88 दे रही है। तो अभी हम कायदीन होंडा जा रहे हैं, घर से हमारे नियर है। तो जस्ट अभी 1 किलोमीटर की रेंज पे है, तो होंडा कायदीन में हमने अपॉइंटमेंट लिया था। अपॉइंटमेंट पहले लेना होता है, उसके बाद अभी होंडा से ट्यून करवाएंगे और जो है जो नेसेसरी चीज़ें होंगी वो कहेंगे, वो चेंज करवाएंगे। अच्छा, इससे बंद भाई हमारे साथ टाइम उन्होंने दिया हुआ है हमें 1:30 का और हम थोड़ा सा पहले पहुंच गए। तो कोई भाई से कह रहे हैं 5 मिनट पार्किंग के बाद नमाज का ब्रेक है, तभी हम पार्क करते हैं। ये आ गए हैं वापस ड्राइवर। मुझे पता था मजा अंकल आया, अंकल अंकल को अंडा बुलाना है। वो भी यही बोल रही थी कि आपकी गाड़ी का प्रॉब्लम। ये हमारे होंडा कायदीन पहुंच गए हैं ट्यूनिंग करवाने। थोड़ी घुटती है कभी कभी। अच्छा वैसे तो आप इकोन पर भी चला रहे हो सर? सर वैसे इकोन पर भी चला रहे हो आप? जी उस पर तो वैसे भी थोड़ी सी घुटी भी लगी है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो रहा है कि 2000 RPM पे जाती है फिर जाके चलती है, कभी कभी ऐसा हो देखना होगा। एयर फिल्टर अभी चेंज करा हमने, लेकिन लोकल है, जेन्युइन है। अच्छा एयर फिल्टर अगर सही है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग होगी, उसके 6000 रुपए चार्जेस है।
टोटल में ये है कि हाँ थ्रॉटल बॉडी सर्विस होगी और इसकी प्रोग्राम होगी टैक्स के साथ ना, टैक्स के साथ। और वॉश वाली सर्विस अगर कराएंगे तो? वॉश वाली सर्विस सर थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो सकता अभी गाड़ी, और अभी एक दो मिनट जो है ना आपके साथ एक रोड टेस्ट भी करवाना पड़ेगा इसका। शुरू से गाड़ी आपके पास ही है या? चौक हो गया ये कैसे हुआ? गाड़ी 2000 चली इस पर मैक्स या 1500 चली। एक रोड टेस्ट कर लो सर ट्यूनिंग के लिए। अबे इतनी तो गंदी हालत होती नहीं है, उसमें ऑयल पेपर होता है। ये नॉर्मल है? नॉर्मल नहीं है, ख़राब। ये तो बिल्कुल वो हुआ है, ये ओरिजिनल है फिल्टर। इससे पहले वाला भाई 6-7 हज़ार किलोमीटर चलाई थी मैंने, लेकिन फिल्टर बिल्कुल ओके है। मैन उसका रोड टेस्ट कर लेते सर आरपीएम के लिए। तो ये क्या सीन है, इतना बंद होता पिछला वाला जो निकला था करके अबे नहीं ये तो मैं पहले से ही ले लूंगा, तू टेंशन नहीं ले। नहीं करना वो ब्लर कर दूंगा ना तेरी शक्ल। नहीं 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 टेंशन नहीं ले, गाड़ी कैसे ब्लर करेगा। सबसे बड़ी हैरानगी की बात मुझे ये लग रही है, ये फिल्टर अभी चलाए हुए 1000 किलोमीटर भी नहीं हुआ है और ये काला कैसे हो गया इतना काला। अबे पहले होंडा का दला हुआ भी नहीं था, पहली चीज तो ये, उसके बावजूद हाँ यार 20 से क्या ताल्लुक है, होंडा का नहीं डलने के बाद इतना सही था 6000 किलोमीटर पे। ये तो होंडा का लेके डाला है तो उसने दिया। नहीं भाई वो उसने ऑयल नहीं चेंज किया, वो ये क्या चेक करेगा। भाई मुझे लग रहा है सस्पेंशन चेक कर रहे हैं। अगर मेरे हाथ में दर्द हो गया यार, वो पीओवी के लिए बीजे की बीजे के बासित भाई, बासित भाई।